सर पवन नगर की रहने वाली हूँ, और जब मुझे प्रेगनेंसी हुई तो मैंने काफ़ी डॉक्टर से संपर्क किया पर कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। तब मैंने काफ़ी लोगों से पूछा भी इसके बारे में कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी के लिए किसके पास जाना चाहिए। तो मेरे को बहुत से लोगों ने यही सजेस्ट किया कि आप अमनदीप मेडिसिटी हॉस्पिटल जो मार रोड पर है, आप वहाँ पर जाइए और डॉक्टर मोनिका महेश्वरी जी से मिलिए। तभी मैंने फाइनल डिसीज़न यही लिया कि मुझे वहीं पे जाना चाहिए। मैं यहाँ आई और मोनिका मैम से मिली। मिलने के बाद मेरे केस में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस थी जो कि मोनिका मैम ने बिल्कुल अच्छे से हैंडल किया मुझे और बहुत अच्छे से ट्रीट किया। तो मैं यहाँ पे आके फुली सेटिस्फाइड थी। फर्स्ट विजिट में ही मेरा पूरा मन था कि मैं अब यहीं पर ही अपनी डिलीवरी करवाऊँगी और मैं यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आती भी रही। और मैं यहाँ पे आके बहुत ही खुश हूँ। मैंने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है और उसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मेरे पहले बेटी है और अब मैंने यहाँ पे बेबी बॉय को भी बोर्न किया है। तो ऐसा है कि मैं आप सभी को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल चाहिए तो एक ही है, अमनदीप मेडिसिटी हॉस्पिटल माल रोड अमृतसर में। और वहाँ पे आप मोनिका महेश्वरी जी से जरूर मिलिए क्योंकि वो बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और अच्छी सजेस्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर मोनिका महेश्वरी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट अमनदीप मेडिसिटी हॉस्पिटल। ये पेशेंट कीर्ति बबल मेरे पास 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में आई थी एंड इसकी प्रॉब्लम थी कि शी हैड अ कंप्लेन ऑफ रिकरेंट ओलिगोहेड्रोमियोमा। डेट मीन्स बार बार इसका जो बच्चे के आसपास लाइकर पानी होता है वो बार बार कम हो रहा था। और जब ये मेरे पास आई स्टिल इसका लाइकर कम था, इट वॉज अराउंड 7, AFI वॉज 7। सो शी वॉज गिवन इंजेक्टेबल्स मेडिकेशंस ओरल एंड इंजेक्टेबल्स एंड हर फ्लूइड वॉज रेस्ड टिल 10 एंड देन आई गॉट रेस्ड विच कुड कंटिन्यू हर प्रेगनेंसी 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। And then she landed up once in emergency at around 12 midnight with the complaints of decreased fetal movement. Iska NST kiya humne, wo bhi non-reactive tha. So we had to do her emergency cesarean section at 3 AM midnight. And she delivered a baby boy. They both are healthy and we are discharging them today. Thank you.